दूसरा उसके बाद में हमारे पिताजी ने पुष्कर देव धर्मशाला पर्सनल बनवाई अपनी रामकवाराम के नाम से। उसके बाद इस दिवाली नवरानी का करे स्वागत, तनिष्क लेकर आया है आपके लिए न्यू नवरानी कलेक्शन। जुड़िए तनिष्क के साथ और ऐतिहासिक रानियों से प्रेरित कलेक्शन से संवारे अपने आप को। खूबसूरत गहने शानदार ऑफर्स के साथ सिर्फ तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर मेन रोड अजमेर। देखिए इस विजय साहनी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इस फिल्म का निर्माण किया गया है। संत कंवर राम जी के जीवन पर ये अमर शहीद कंवर गाथा जो है 24 तारीख को रिलीज होने जा रही है, जो इस बार 84वां उत्सव है संतों का। उस संतों द्वारा उसका उद्घाटन, इसका प्रदर्शन का उद्घाटन किया जाएगा। इससे जो फिल्म बनाने के जो उद्देश्य हैं, उस बनाने के संत कंवर राम जी के जो जीवन है उनके दर्शन को लोगों तक पहुंचाना, और उसके बाद में जो समाज में जो कुरीतियाँ छुपी हुई हैं उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जो उन्होंने जो मार्ग दिखाया, उन सब चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना। और एक दूसरे के प्रति, जो संत कंवर राम जी के जीवन में सबसे बड़ी चीज़ थी कि एक दूसरे के प्रति प्रेम रहे, उस प्रेम को लोगों तक पहुंचाने का जो उद्देश्य इस फिल्म बनाने का, मेक के उद्देश्य बनाए रखा गया है। इस फिल्म का जो पहला प्रदर्शन है वो 24 तारीख को होने जा रहा है। 4 शो इसके अंदर होंगे। पहला शो सुबह 9 बजे, फिर उसके बाद में 11 बजे, फिर उसके बाद 1 बजे और दोपहर 3 बजे। 4 शो इसके अंदर उस दिन दिखाए जाएंगे। ये शो उस दिन वहीं पर कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म के अंदर। इस विजय ने एक पूरी एक प्लेटफॉर्म बनाया, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये यूट्यूब के ऊपर फिल्म देखने को मिलेगी। उसके अलावा इसमें स्थानीय जो लेवल के ऊपर जो कलाकार हैं, उन स्थानीय कलाकारों ने भी काफ़ी इसके अंदर भूमिका अपनी अदा करी है। और इसमें निर्माता तो विजय साहनी जी स्वयं हैं, उसके निर्देशक के रूप में अजय प्रताप सिंह जी ने इसकी भूमिका करी है। जो इसका मुख्य जो किरदार जो निभाया है, वो मुख्य किरदार जो मुख्य अभिनेता हैं वो अभिषेक गुजर हैं। उन अभिषेक गुजर ने भी इसके अंदर अपना संत कंवर राम के रूप में अपना प्रस्तुतिकरण दिया है। हमारा आप लोगों से और जन जन से निवेदन है कि इस फिल्म को देखने के लिए अवश्य आवें। इस फिल्म को यहीं हम लोग नहीं करेंगे, इनको अन्य शहरों में भी जाकर, हमारे जो यहाँ के डायरेक्टर हैं उनका मन की इच्छा है कि देश भर के अंदर जितने भी संत कंवर राम से जुड़ी हुई जगह हैं उन सभी जगहों पर इसका फिल्म को जाकर दिखाया जाए। इस तरीके आप 24 तारीख को पधारें और 24 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आकर इस शो को देखें। इसको 2 भाषाओं में बनाया गया है, सिंधी भाषा के अंदर और हिंदी भाषा के अंदर। संत कंवर राम साहब पर इनके जीवन दर्शन पर ये फिल्म बनी हुई है, और इसकी जो ये शूट हुआ है हमारा देवमाली गांव, जो देव स्थान है उस गांव में हमने ये शूटिंग की है, पूरी कंप्लीट की है। और हमारे साथ ही बीच में हमारे जिन्होंने संत कंवर साहब का चरित्र निभाया है अभिषेक गुजर जी, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। इस फिल्म का उद्देश्य ये है कि सबसे बड़े कि संत कंवर साहब के जीवन के जो दर्शन हैं वो आम लोगों तक भी पहुँचे, इसलिए 2 भाषाओं में बनाया गया, हिंदी और सिंधी समाज, कि आम तौर से सिंधी समाज के साथ साथ हिंदी समाज के लोग भी संत कंवर साहब के जीवन का दर्शन कर सके। कितने लोगों ने इसमें अपना किरदार निभाया और कहां कहां से? इस फिल्म के अंदर कम से कम नहीं तो 60 से 70 लोगों ने काम किया है, और सभी लोग जितने भी तकनीकी लोग से जुड़े रहे या जितने भी एक्टर्स जुड़े हुए वो सब अजमेर शहर से ही जुड़े हुए थे, और जितने कलाकार थे सब फ्रेशर्स थे और सभी अजमेर शहर से ही जुड़े हुए हैं। लगभग कितना समय लग गया इस फिल्म को शूट करने में? हमें 12 दिन का समय लगा कि हमने सिर्फ शूट कंप्लीट किया, उसके बाद फिर ये और प्रोसेस रहता रहा डबिंग का, बहुत सारी चीज़ें BGM कराना, तो ये सारी चीज़ें मुंबई से की गई और कुछ चीज़ें अजमेर से भी की गई। कितने घंटे की फिल्म है ये? 1 घंटा 12 मिनट की फिल्म है। फिल्म का आइडिया किस तरह से आया? बेसिकली हमारे एक सिंधी समाज के दोस्त हैं मुकेश श्री मलानी और सुरेश श्री मलानी, बहुत अजीज हैं, तो मेरे उनके घर में एक बार एक साधराम जी आए। बेसिकली मैं हिंदी समाज से था तो मैं इतना नहीं समझता था, तो मैं लखनऊ रंगमंच से जुड़ा रहा हूँ और सिनेमा से भी जुड़ा रहा, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, तो उन्होंने मुझसे ही कहा कि भाई आप थिएटर से हैं तो क्यों नहीं आप संत कंवर साहब पे भी कुछ करते हैं। तो उस समय मैं अजमेर शहर में रंगमंच से जुड़कर कुछ कार्यरत कर ही रहा था, काम कर ही रहा था, तो मुझे लगा ठीक है कि हमारे मित्र हैं उनके समाज के लिए भी थोड़ा सा कुछ होना चाहिए, तो मैंने एक लाइट एंड साउंड शो लिखा और उसके बाद उसको संत कंवर राम स्कूल में शो किया। तो बस इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा मुझे वहीं से मिली, और उसके बाद विजय जी ने बस मेरा हाथ पकड़ लिया और ये फिल्म को मैं बनाता चला गया। अभी ये 24 अक्टूबर को ये रिलीज़ करेंगे, अभी इन्होंने ट्रेलर लॉन्च किया हुआ। मेरा नाम अजय प्रताप सिंह है।